नमस्कार, झारखंड की ताजा खबरों में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की मुख्य बड़ी खबरों को। झारखंड के सरकारी स्कूलों के शिक्षक बिना लोकेशन बताए नहीं बना सकेंगे हाजिरी। बिना लोकेशन बताए अब सरकारी स्कूलों के शिक्षकों की हाजिरी नहीं बन पाएगी। झारखंड शिक्षा परियोजना द्वारा इसके लिए ई विद्यावाहिनी सॉफ्टवेयर में आवश्यक बदलाव किया है। इसके तहत शिक्षकों को अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए लोकेशन बताना अनिवार्य कर दिया है। इसके लिए विद्यालय को टैब भी उपलब्ध कराया गया है। शिक्षकों के ऑनलाइन उपस्थिति को लेकर अब तक जो सॉफ्टवेयर काम कर रहा था उसमें उपस्थिति बनाते समय लोकेशन दर्ज कराने की अनिवार्यता नहीं थी। लोकेशन दर्ज नहीं होने पर इसे शून्य बताया जाता था। अब शिक्षकों को लोकेशन बताना अनिवार्य हो गया है। शिक्षकों को टैब के साथ साथ मोबाइल से भी उपस्थिति बनाने की सुविधा दी गई है। राज्य के सरकारी विद्यालय में वर्ष 2018 से ही शिक्षकों के बायोमेट्रिक्स उपस्थिति बनाने का प्रावधान किया गया है। झारखंड के सिंहभूम में भूकंप के झटके रिक्टर स्केल पर 4.1 दर्ज की गई तीव्रता। झारखंड में रविवार की दोपहर भूकंप के झटके लगे। दोपहर करीब 2:22 पर आए झटके के बाद लोग घरों से बाहर आ गए। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के अनुसार भूकंप की तीव्रता 4.1 आंकी गई। फिलहाल भूकंप से किसी तरह से जानमाल के नुकसान की जानकारी नहीं मिल सकी है। इधर असम में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। इससे पहले शुक्रवार को कर्नाटक के विजयपुरा जिले में 2.5 तीव्रता का भूकंप आया था। भूकंप दोपहर 1:47 पर आया था। इसका केंद्र विजयपुरा के बासवाना बागेवाड़ी तालुक में मस्तु ग्राम पंचायत में 2.5 किलोमीटर की गहराई में था। भूकंप की तीव्रता बेहद कम थी और इससे नुकसान की आशंका नहीं थी। झारखंड में महिला किसानों ने मोटे अनाजों के प्रसंस्करण के गुण सीखे। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की पहल। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के सामुदायिक विज्ञान विभाग की ओर से महिला किसानों को पोषक अनाजों के प्रसंस्करण की तकनीक सिखाकर उन्हें स्वरोजगार के लिए तैयार किया जा रहा है। इसके तहत इन महिला किसानों को 5 दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया। इनमें से उन्हें विशेष रूप से मड़वा के प्रसंस्करण के गुण बताए गए। कुलपति डॉक्टर ओंकार सिंह ने कहा कि 5 दशक पहले तक गरीबों का भोजन कहा जाने वाला मोटा अनाज आज अमीरों का भोजन है। वर्तमान में देश विदेश के बाजारों में मोटे अनाज के उत्पादन की काफी मांग है और उनकी कीमत भी काफी ऊंची है। आप सबको बता दूं कि राज्य में परंपरागत तौर पर मोटे अनाजों में मड़वा, गुंदली, सावा, कोदो और रामदाना की खेती प्रचलित थी। बाजार की मांग को देखते हुए किसानों को इन फसलों की खेती के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। मोटे अनाजों के प्रसंस्करण और मूल्यवर्धन तकनीक से मोटे अनाज का बाजार मूल्य को बढ़ाकर किसानों की आय में बढ़ोतरी की जा सकती है। कुलपति ने कहा कि इस तकनीक से व्यवसाय की शुरुआत लघु स्तर पर की जा सकती है। बाजार मांग के अनुरूप व्यवसाय का विस्तार किया जा सकता है। आप सबको बता दूं कि झारखंड राज्य में अधिक उपज देने वाली सफेद मड़वा की खेती की काफी संभावना है। पहली बार झारखंड के 250 स्कूलों में शुरू होगी जनजातीय भाषा में पढ़ाई। सरकार ने की है तैयारी। झारखंड के सरकारी स्कूलों में बच्चों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा मिलेगी, जिसकी तैयारी जारी है। प्रथम चरण में राज्य के 6 जिलों पश्चिमी सिंहभूम, गुमला, साहिबगंज, सिमडेगा, लोहरदगा और खूंटी जिला में पढ़ाई शुरू होगी। इन जिलों के 250 स्कूलों में संथाली, हो, मुंडारी, कुड़ुक और खड़िया यानी 5 जनजाति भाषा में पढ़ाई होगी। इन स्कूलों में कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को पढ़ाने की तैयारी है। इसके लिए किताब भी तैयार किया गया है। झारखंड शिक्षा परियोजना निदेशक किरण कुमारी पासी ने इस संबंध में संबंधित जिलों के शिक्षा अधिकारी को पत्र लिखा है। फिलहाल शिक्षा विभाग ने राज्य भर के 4600 स्कूलों को चिन्हित किया है। वैसे विद्यालय को चिन्हित किया गया है जहां उस भाषा को बोलने वाले 70% या उससे अधिक बच्चे नामांकित हैं। झारखंड के शिक्षा में सुधार के लिए सरकार के कदम। एक कैंपस और आसपास के स्कूलों का होगा विलय। राज्य के सरकारी स्कूलों का एक बार फिर से विलय होगा। वैसे अलग अलग स्कूल जो एक ही कैंपस में चल रहे हैं उन्हें मिलाकर एक स्कूल किया जाएगा। वहीं वैसे स्कूल जो अलग अगल बगल स्थित हैं उन्हें भी एक स्कूल में बदला जाएगा। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग इसकी तैयारी कर रहा है। शिक्षा विभाग ने सभी जिलों से इसकी रिपोर्ट तलब की है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक हर्ष मंगला ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को पत्र लिखकर जानकारी मांगी है। आप सबको बता दूं कि झारखंड में पिछली सरकार ने करीब 5700 स्कूलों का विलय किया था। 2017-19 के बीच 2 चरणों में विलय की प्रक्रिया पूरी की गई थी। झारखंड के कांके में बनाई जाएगी मेडिको सिटी, मिलेगी बेहतर इलाज की सुविधा। रांची के कांके स्थित रेनपॉस में मेडिको सिटी बनाई जाएगी। इससे जुड़ा प्रस्ताव मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जल्द भेजा जाएगा। इसका निर्माण 100 एकड़ जमीन पर होगा। शनिवार को स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने इसकी जानकारी दी। वे एसोसिएशन ऑफ प्लास्टिक सर्जर्स ऑफ इंडिया बिहार एंड झारखंड चैप्टर द्वारा आयोजित
कार्यक्रम बेजास पिकॉन में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि अभी अधिकतर मरीज इलाज के लिए चेन्नई हैदराबाद जगहों पर जाते हैं। मेडिको सिटी बनने से राज्य में ही लोगों को सुपर स्पेशलिटी सुविधा मिलेगी और इलाज के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। सी ने कहा कि राज्य में स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की भारी कमी है। राज्य में 1096 पद स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की जगह मात्र 36 डॉक्टर ही कार्यरत हैं। उन्होंने कहा कि डॉक्टरों के पोस्टिंग को लेकर भी एक पॉलिसी तैयार की जा रही है, जिसमें डॉक्टरों की पोस्टिंग के दौरान प्राथमिकता का विकल्प मिलेगा। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा के लिए 40,000 सहायकों को जोड़ने की तैयारी है। झारखंड के पुलिस ने गिरिडीह डुमरी मुख्य मार्ग पर कार से 75 किलो चांदी की ईंट बरामद की, 3 गिरफ्तार। राज्य के गिरिडीह में चांदी तस्करी के बड़े मामले का खुलासा हुआ है। गिरिडीह डुमरी मुख्य मार्ग पर पुलिस ने एक कार से 75 किलो चांदी की ईंट बरामद की है। यह कार्रवाई मुफसिल थाना क्षेत्र में की गई। पुलिस के अनुसार इन ईंटों की कीमत 35 लाख के करीब आंकी जा रही है। पुलिस ने बताया कि इस कार्रवाई में 3 आरोपी अरविंद कुमार पांडे, गोविंद सोनी और ब्रह्मदेव कुमार को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। मामले का संदेहास्पद मास्टरमाइंड राजेश गुप्ता पुलिस को चकमा देकर भागने में कामयाब हो गया। पुलिस उसे पकड़ने की कोशिश कर रही है। आगे मामले की जांच भी जारी है। झारखंड के मुख्यमंत्री को सहायक पुलिसकर्मियों ने किया आमंत्रित, कहा साथ में भोजन कर सीएम महसूस करें दर्द। राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में सहायक पुलिसकर्मियों का अनिश्चितकालीन धरना का आज 8वां दिन है। सहायक पुलिसकर्मी अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हुए हैं। सहायक पुलिसकर्मियों ने राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आमंत्रित किया है और कहा हमारे बीच बैठकर भोजन करें, हमारे दर्द को समझने का प्रयास करें। सहायक पुलिसकर्मियों ने बताया कि हमारी मांगें जायज है, हमारी बहाली नियमावली के अनुसार हुआ है, उस नियमावली को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समझने की कोशिश करें। सहायक पुलिसकर्मी ने बताया कि 3 साल के बाद सभी बहाल हुए सहायक पुलिसकर्मियों को जिला पुलिस में समायोजित करने की बात कही गई थी, लेकिन अब यह बात सिर्फ हवा हवाई बनकर रह गया है। सहायक पुलिसकर्मियों ने बताया कि गांधी जयंती के अवसर पर हम सभी सहायक पुलिसकर्मी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राज्यपाल रमेश बैस से मिलकर अपनी मांग को रखना चाहते थे, लेकिन किसी कारणवश मोरहाबादी का कार्यक्रम रद्द हो जाने की वजह से हम लोग मुख्यमंत्री और राज्यपाल से नहीं मिल सके। हालांकि सहायक पुलिसकर्मी ने स्पष्ट कर दिया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हमारी मांगों को जायज समझते हुए हमसे नजरें चुरा ली और मोरहाबादी का कार्यक्रम रद्द कर दिया। झारखंड में अंत्योदय अन्न योजना की राशन की कटौती, डीलरों ने सितंबर माह में बांटा आधा अनाज। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से समाज के अंतिम गरीब व्यक्ति तक रियायती दर पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने की निमित्त केंद्र सरकार के स्तर से दिसंबर 2000 में शुरू अंत्योदय अन्न योजना अपने उद्देश्यों पर खड़ी नहीं उतर पा रही है। योजना के तहत 1 रुपये किलो गेहूँ और 1 रुपये किलो चावल अंत्योदय राशन कार्डधारियों को दिया जाता है, परंतु कुछ सरकारी कर्मियों और पीडीएस डीलरों की उदासीनता के कारण लाभुकों को इसका समुचित लाभ नहीं मिल पा रहा है। गोदामों और डीलरों के पास अनाज डंप होने की सूचना के बाद केंद्र ने सितंबर महीने के अनाज का आवंटन लगभग आधा कर दिया। केंद्र की रिपोर्ट के आधार पर कहा जा सकता है कि गोदामों और डीलरों के पास पर्याप्त अनाज रहने के बावजूद वितरण नहीं किया गया। सितंबर माह का आवंटन आधा होने के कारण गरीबों को अनाज भी आधा मिल पाया। वैसे राहत की बात तो यह है कि अक्टूबर माह का पूरा आवंटन जारी किया गया है। मिड डे मील की पौष्टिकता बढ़ी, चावल के साथ दाल तेल मसाला भी देगी सरकार। राज्य सरकार प्रधानमंत्री पोषण योजना के तहत राज्य के 33 लाख बच्चों को चावल के पैकेट के साथ दाल तेल मसाला और नमक भी देगी, राशन भी देगी। बच्चों को 134 दिनों के लिए पैकेट बनाकर सूखा राशन दिया जाएगा, जिसमें अरहर दाल, सरसों तेल, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर तथा नमक शामिल रहेगा। कोरोना के कारण स्कूल बंद रहने के कारण बच्चों को प्रतिपूर्ति के रूप में सूखा राशन दिया जा रहा है। अभी तक इसमें केवल चावल ही छात्रों को दिया जा रहा था, अब कुकिंग कास्ट की राशि के अवज में राशन में दाल तेल और मसालों को भी शामिल किया गया है। राज्य सरकार के निर्देश पर झारखंड मध्याह्न भोजन प्राधिकरण ने सूखा राशन की आपूर्ति के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी है। राज्य के 35,616 सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में 32,62,878 बच्चों को सूखा राशन 1 अक्टूबर 2020 से 31 मार्च 2021 तक की अवधि के मध्याह्न भोजन की प्रतिपूर्ति के रूप में दिया जाएगा। इस पर 252,70,00,000 रुपए खर्च होंगे। यह राशि मध्याह्न भोजन योजना के तहत स्कूलों को कुकिंग कास्ट के मद में दी जाने वाली राशि के अनुसार तय की गई है। खबर है झारखंड के देवघर से। देवघर जिला परिषद के सीटों के आरक्षण पर लगी मुहर, 25 में से 14 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित।
झारखंड में पंचायत चुनाव छठ पर्व के बाद होने की संभावना है। राज्य निर्वाचन आयोग ने जिला पंचायती राज कार्यालय से भेजे गए देवघर जिला परिषद के 25 सीटों के आरक्षण पर मुहर लगा दी है। नए आरक्षण में वर्ष 2015 के आरक्षण के मुकाबले कई फेरबदल भी किए गए हैं। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री ने झामुमो गठबंधन पर साधा निशाना, झूठ बोलकर सत्ता हासिल किया, मुख्यमंत्री निभाए चुनावी वादा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्र महामंत्री और सांसद दिलीप सेकिया ने झारखंड की हेमंत सरकार पर हमला बोलते हुए कहा, जनता से झूठ बोलकर प्रदेश में झामुमो और कांग्रेस की सरकार बनी है। अब जनता अपने निर्णय पर पछता रही है। 2 वर्ष पूरा होने वाला है, लेकिन अभी तक मुख्यमंत्री पूर्व की रघुवर सरकार द्वारा किए गए काम का ही फीता काट रहा है। 5 वर्ष की भाजपा सरकार ने जो विकास का काम प्रारंभ किया था, उसको विनाश के रास्ते पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार पहुंचा रही है। प्रदेश में सिंडिकेट का शासन है, बिना सिंडिकेट के मर्जी के राज्य में एक काम नहीं हो रहा है। दोस्तों, चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।